हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे यानी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज नवमी है, श्री राम नवमी। तो जैसे तबीयत ख़राब हुई, घर से कहीं नहीं निकले, आज ऐसा पहला दिन है कि हम कहीं जा रहे हैं तो मंदिर के लिए गए हैं। और घर के बगल ही मेरे मंदिर है, तो हमने सोचा चले जाएं, दर्शन कराएं माता रानी का। हो सकता है माता रानी कुछ कृपा कर दे, सबकी तबीयत ठीक हो जाए। तो ये माँ चंडिका का मंदिर है, यहाँ बजरंगबली भी हैं और सभी छोटे छोटे सारे देवी देवता हैं। तो यहीं पे हम लोग दर्शन कर लिए थे और गर्भगृह में कैमरा नहीं ले गए थे, बाहरी थोड़ा सा अपना वही मंदिर का प्रांगण जो होता है वहीं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे और ज़्यादा कुछ नहीं किए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये था शाम का समय, शाम के 4 बज रहे थे। मंदिर उन्दिर जाने के बाद खा पी के हम लोग सो गए थे। उसके बाद शाम को हम लोग खेत गए थे टहलने के लिए बच्चों के साथ। तो घर के पीछे ही खेत है तो वहीं गए थे। तो ये प्याज लहसुन, ये लहसुन है और उधर प्याज था और कद्दू वगैरह लगाया गया था। तो वही हम लोग गए थे टहलने। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ शायद जंगली कोई पेड़ है। हम लोग बचपन में शिवरात्रि पे इसमें वाइट वाइट फूल खिलता है, तो वही इसको तोड़ तोड़ के खूब शंकर भगवान को चढ़ाते थे। तो आज इसको देखे तो बड़ा अच्छा लगा, रेड रेड कलर में पूरा पक गया है। ये है तो जंगली ही, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है देखने में ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए लोग हों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए हम घूम लेते हैं खेत, और आप लोग भी मेरे साथ घूम लीजिए। ये है खजूर का पेड़, अभी ये हरा है, जब बरसात होगी तो ये पानी पाके पक जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। तो हम लोग बचपन में खूब खाते थे इसे तोड़ तोड़ के, और अच्छा लगता था, मीठा मीठा टेस्टी लगता था। तो अभी भी लगता होगा, अब तो काफ़ी दिन हो गए खाए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ घर, और वीडियो में बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अभी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, दवा मेरी चल रही है, दवा हम खा रहे हैं। बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, गला मेरा मतलब बैठ सा गया है। तो ये आप लोगों को दिखा रहे थे, ये ऊपर जो धुआं निकलता है किचन में जो चिमनी होती है उसी का ये बना हुआ है। तो अभी मैं छत पे आई थी, थोड़ा शाम का समय है। और ये तो आप सब जानते होंगे, ये पपीते का पेड़ है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया था टाइफाइड में पपीते की पत्ती का जूस बना के पियो तो फ़ायदा करता है, तो वही मैं तोड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक बार फिर से कह रहे हैं एक लाइक कर देना, और अगली वीडियो के लिए करना थोड़ा सा इंतज़ार। फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय फ्रेंड्स।